हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप जी बिज़नेस को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। और आपने हमारा जो लोगो है वो तो देख ही लिया होगा कि डीमेट किस प्रकार से हैक कर हो रहे हैं, ठीक है। डीमेट अकाउंट अब हैक होने लगे हैं, ठीक है। डीमेट अकाउंट हैक होना बहुत बड़ी बात है, चलो ठीक है, हैक भी हो रहे हैं ना, ठीक है। तो वो शेयर अगर बेच भी देगा तो उसका जो भी फंड आएगा, आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ वो तो मेरे ही अकाउंट में आएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। वो उनके अकाउंट में जा रहा है और आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ वो हैक कर भी लेता, शेयर बेच भी देता, पैसे विड्रॉ भी कर लेता, तो वो आपके खाते में आ जाते। तो इसमें इतनी बड़ी ये जो न्यूज़ है ना एजेंसी, ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं बनाती, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या कर रहे हैं, इनका मुहिम कुछ सबको इकट्ठा करना है और सबको जागरूकता देना है, क्योंकि पैसा दोस्तों वो उनके अकाउंट में लेके जा रहे हैं। आप दोस्तों इन व्यक्ति को तो जानते हैं, इनका नाम है अनिल सिंघवी जी, ठीक है। इनका दोस्तों ये मुहिम बहुत हद तक यहाँ पर दोस्तों हमें बचा सकता है, ठीक है। तो इनका साथ हमें भी देना चाहिए, क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी ये है कि करीबन 1 से 1.5 करोड़ यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है वो हैक हो गया। किसी का 36-37 लाख का है वो है, मतलब ये बड़े बड़े लोगों पर दाव खेल रहे हैं, ठीक है। तो सभी जन बड़े लोग हैं, सबके पास 5 लाख, किसी के पास 10 लाख, किसी के पास 50 हज़ार, सबका दोस्तों अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से बड़ा अकाउंट है, ठीक है। अगर वो हैक हो जाएगा तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन डीमेट डाका करके इन्होंने एक शो चलाया, जिसमें बताया है, ठीक है, कि बाज़ार के निवेशकों के हित को देखते हुए जी बिज़नेस ने एक बार फिर से अपनी आवाज़ बुलंद की है। ऑपरेशन मार्केट माफिया और ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद दर्शकों को जी बिज़नेस अपनी खास पेशकश ऑपरेशन डीमेट डाका लेकर आया है। ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शो है। इस शो के जरिए जी बिज़नेस अपने दर्शकों, पाठकों को डीमेट के जरिए हो रहे फ्रॉड के बारे में बताएगा और इस स्कैम करने वाले का पर्दाफाश करेगा, ठीक है। जब आप लोग इनके सपोर्ट में रहोगे दोस्तों, तो इनकी आवाज़ और मजबूत होगी, ठीक है, और ये पूरी जड़ तक जा सकेंगे, ठीक है। हाल ही में, ठीक है, डीमेट अकाउंट से जुड़े स्कैम को लेकर कई मामले सामने आए थे, ठीक है। इसके बाद से निवेशकों को सतर्क करने के मकसद से ये पहल शुरू की गई है। मतलब अभी ये शुरुआत है दोस्तों, ठीक है, आगे भी ये काफ़ी बड़े बड़े अपडेट लाते रहेंगे। देखिए, जी बिज़नेस की मैनेजिंग एडिटर जो अनिल सिंघवी जी है, ठीक है, बताया कि डीमेट डाका इतना बड़ा और ख़तरनाक है, आपके इससे सुनकर डर जाएंगे, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि सतर्क और जागरूक बनना है। जी बिज़नेस को निवेशक और ट्रेडर्स की तरफ से मिली कई शिकायतों के बाद यह ऑपरेशन डीमेट डाका शुरू किया गया है, ठीक है। देखिए, आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता चलती, फिर भी ये चीज़ बता रहे हैं। इनका मकसद क्या है, आप लोगों को डराना नहीं है बिल्कुल भी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा संभल कर चलिए, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है, डीमेट से धमारी, मतलब डीमेट किस प्रकार से ये साफ करते हैं। तरीका, ब्रोकर के नाम से हैकर का फ़ोन आएगा कि हम आपके ब्रोकर बात कर रहे हैं, ठीक है। एनी कॉलर जैसे वेब आधारित कॉलिंग ऐप से हैकर फ़ोन करते हैं, ठीक है। आप लोगों की, आपके ब्रोकर का फ़ोन है, आपको यही लगता है, हकीकत में वह फ़ोन ब्रोकर का नहीं बल्कि हैकर का होता है, ठीक है। आपसे पर्सनल डिटेल की वेरिफिकेशन के नाम पर जानकारी मांगेगा, ठीक है। कभी कभी मांगता है कि सर आपका डीमेट अकाउंट थोड़ा इस प्रकार से हो गया है, उस प्रकार से हो गया है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको भी कहीं लगता है कि हाँ, तो आप अपना जो भी डिटेल है वो शेयर कर देते हैं, ठीक है। ये OTP वाला सिस्टम तो बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन दोस्तों अब OTP के जरिए वो अपने डीमेट अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं, शेयर बेच के उनके खाते में पैसा लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, OTP शेयर करते ही आपके खाते पर हैकर का नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है। तरीका दूसरा क्या है, फ़ोन पर आपसे KYC करने को कहा जाएगा, KYC के लिए आपके पास OTP मांगा जाएगा, OTP देते ही आपके खाते में हैकर एंट्री ले लेगा, ठीक है। तरीका तीसरा, हैकर जो है वो ब्रोकर और आपके बीच में एंट्री कर लेता है, ठीक है। ब्रोकर आपको पासवर्ड रिसेट के लिए मेल में लिंक भेजता है, ब्रोकर का भेजा लिंक आपको ना मिलकर हैकर के पास चला जाता है, ठीक है। ये तरीका देखिए, और लिंक के जरिए हैकर आपका पासवर्ड बदलकर खाते पर नियंत्रण ले लेता है, ठीक है। और यहीं से दोस्तों उनका जो सिस्टम है ना, वो क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से अपने तरफ कन्वर्ट
कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को दोस्तों जो कंपनियां हैं जो जो डीमेट अकाउंट हैक हो रहे हैं, ठीक है, वो भी समझ नहीं पा रहे कि ये कहां से हमारे एल्गोरिदम को चुरा रहे हैं, ठीक है। अब हैकिंग के बाद की हेराफेरी, ये देखिए, खाते पर नियंत्रण पाते ही हैकर आपका पूरा पोर्टफोलियो बेच देता है, बदले में आपके नाम पेनी स्टॉक, छोटे शेयर या शेयर खरीद देगा। यह सारा कारनामा हैकर कर रहा होता है, ठीक है। मतलब दोस्तों जो अच्छे खासे शेयर रहते हैं वो भी बेच देता है, ठीक है, और कुछ शेयर पेनी के नाम पे कर, मतलब जैसे जो कुछ काम के नहीं शेयर है वो ले लेता है, ठीक है। और पहले पोर्टफोलियो बिक्री फिर कचरा शेयर खरीद से दोहरा नुकसान, ठीक है। जिस खाते से पेनी स्टॉक बेचे गए क्रेडिट उसमें आ जाती है, ठीक है। पेनी स्टॉक शेयर को आप चाह कर भी बेच नहीं पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी देखिए, मतलब वो हैकिंग जो कर रहा है दोस्तों वो कितना स्मार्ट है, आप लोगों को दो दो तरीके से नुकसान दे रहा है, ठीक है। पहले तो हैकिंग करके वो आपका पैसा भी चुरा रहा है, ठीक है, खास करके फिर वो पेनी स्टॉक खरीद रहा है। तो इससे भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए वो पेनी स्टॉक ऐसा खरीद देगा कि वो डेली बेसिस पे लोअर सर्किट लगा रहा है, तो उसको भी आप बेच नहीं पाओगे, तो वहाँ से भी आपको उल्टा फटका पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, हैकर का शिकार एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हुआ है जिसकी उम्र दोस्तों 66 साल थी, ठीक है। हैकर की तारीख 8 जून, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं दोस्तों, 8 जून, अभी मतलब एक सवा महीना हुआ है, ठीक है। पोर्टफोलियो बेचा कितने का, 1.46 करोड़ का, मतलब दोस्तों लगभग 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो बेच दिया। पासवर्ड रीसेट के जरिए हैकिंग, ठीक है। अगर हम देखें तो ज़्यादातर ब्लू चिप शेयर थे, मतलब ए कैटेगरी के जितने शेयर होते ना वो थे, ठीक है। हैकर का शिकार रिटायर सरकारी कर्मचारी, ठीक है। 8 जून हैकर ने फ़ोन करके कहा कि वह ब्रोकरिंग फर्म से बोल रहा है। फ़ोन पर हैकर ने KYC के लिए OTP मांगा और इन्होंने दे दिया, ठीक है। हैकर ने सारा शेयर, मतलब 2:45 में, मतलब इतना शेयर बेच दिया, ठीक है, और कनानी इंडस्ट्री के 3 लाख शेयर 29 के भाव पर खरीद डाले, ठीक है, जो बिल्कुल भी काम के नहीं है। मतलब इतने पैसे में दोस्तों उन्होंने क्या किया, 3.85 लाख शेयर खरीद डाले, ठीक है। अब देखिए ये क्या, इससे दोस्तों मार्केट में क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है, ठीक है, कि सामने वाले व्यक्ति का बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो हैक करना, ठीक है। अब इन्होंने, मान लीजिए इन्होंने दोस्तों इस शेयर में पोजीशन बना ली, ठीक है, इस शेयर में पोजीशन बना दी इनकी, कितने शेयर खरीदे, 3,85,000 शेयर, ठीक है। कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ होगा, अगर ऐसे 10 लोगों के साथ भी ऐसा इन्होंने किया होगा, ठीक है, और 10 जन ऐसे वो खुद होंगे, तो आप देख सकते हैं एक पेनी स्टॉक पर कितना लिक्विडिटी बढ़ा दिया होगा उन्होंने, ठीक है। उन्होंने इतना लिक्विडिटी बढ़ा दिया होगा कि उनको उनके काम की चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, जिसे हम ऑपरेटर बोलते हैं, वो अब ऑपरेटर दोस्तों हैकर बन के मार्केट में आ गए हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए, ठीक है, शेयर खरीद दिए, लिक्विडिटी यहाँ बढ़ गई, आपके जैसे 10 जन लोगों को इन्होंने इस प्रकार से बेवकूफ बनाया, वो 10 जनों ने भी ऐसा ही काम किया, उनकी लिक्विडिटी बढ़ी, ठीक है। 29 रुपये का प्राइस दोस्तों आज आप देख सकते हैं कहाँ पर आ गया होगा, ठीक है, वो भी हम चेक करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर अभी रोकता हूँ, हम कनानी इंडस्ट्री का शेयर निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कनानी इंडस्ट्री का शेयर मैंने निकाला, उसका प्राइस कितना है, मात्र 10 रुपये है, ठीक है, मतलब 10 रुपये है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी दिन उन्होंने इसने हैक किया था जब स्टॉक का प्राइस 29 रुपये था, ठीक है। जब से अभी तक कंटिन्यूसली स्टॉक क्या है, हो रहा है, गिर रहा है। लास्ट एक महीने का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली स्टॉक गिर रहा है, मतलब यहाँ से भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। उनको लिक्विडिटी मिल गया, ठीक है, उनको शेयर का प्राइस ऊपर ले जाने का थोड़ा सा मौका मिला, उन्होंने वैसे हैवी क्वांटिटी बाय करके रखी थी, और मतलब यहाँ पर आपको पागल बना के वो चले गए। तो ये दोस्तों पूरा मसला हो रहा है। उसके साथ ही देखिए, हैकर का शिकार दूसरा कोई व्यक्ति बना जो कि एक आईटी प्रोफेशनल था, ठीक है। आईटी वाला व्यक्ति भी यहाँ पर बेवकूफ़ बन गया, 45 साल का था। हैकर की तारीख 1 जून थी, ठीक है। पोर्टफोलियो बेचा 36,18,000 का, ठीक है, और ईमेल से हैक करने होने की आशंका, ये बताइए, ठीक है। 1 जून यूएस के आईपी एड्रेस से सुबह 6:40 पर अकाउंट हैक, ठीक है। क्लाइंट 9:01 पर लॉगिन करता है लेकिन एरर आता है, ठीक है। देखिए अपना डीमैट भी यहाँ पर खुल नहीं रहा है, ठीक है, और 9:03 पर पासवर्ड रीसेट किया, ठीक है। पासवर्ड रीसेट के बाद क्लाइंट 11:24 तक लॉगिन रहा, ठीक है, और उसने 11:57 पर अपना लॉगिन किया, 12:17 पर पासवर्ड रीसेट किया, ठीक है। हैकर ने 12:43 पर आइडिया अगस्त
पुट मतलब 12 का पुट जो है ठीक है क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, क्लाइंट ने 2 बजे लॉगिन किया, तब हैकर ने काफ़ी सौदे की जानकारी मिली, मतलब जो सौदा उसने कर दिया था ठीक है उसकी जानकारी मिली। ठीक है, उसके साथ ही देखें बताया जा रहा है कि आइडिया अगस्त 6 की पुट बेच दिया 5 पैसे से। ठीक है, कोल इंडिया अगस्त 230 की कॉल खरीद दिया 1 रुपये से। ठीक है, और GMR 45 की कॉल 15 पैसे से खरीद डाला। ठीक है, और जब तक आप कुछ करने जाते हो जब तक तो वो पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, वही IT का जो लफड़ा है। ठीक है, वो उनका अकाउंट जो हैक हुआ वो देखिए। ठीक है, 2 बजे क्लाइंट के ने जिरोदा को फ़ोन किया, खाता हैक होने की जानकारी दी, जिससे जिरोदा ने नहीं माना। ठीक है, उनको भी विश्वास नहीं हुआ। क्लाइंट ने 2:15 पे पासवर्ड बदला, हैकर ने हैक कर अपना पासवर्ड रिसेट कर लिया। मतलब जो प्रक्रिया बेचारा व्यक्ति कर रहा था, पासवर्ड बदल रहा था, वो पासवर्ड वापस दोस्तों कौन रिसेट कर रहा था, हैकर। जिरोदा को बताने के बावजूद ठीक है 2:15 से 2:34 के बीच हैकर ने सौदे किए। क्लाइंट जिरोदा के साथ 2 बजे से 2:40 तक फ़ोन पर रहा। ठीक है, उसके साथ देखिए हैकर ने कुल 36 लाख की होल्डिंग बेची और कुल लॉस 14 लाख का दे गया। ठीक है, आप देख सकते हैं हैकर का शिकार प्राइवेट कर्मचारी जिसकी उम्र मात्र 37 साल थी। हैकिंग का तारीख था दोस्तों 1 जुलाई, आप देख सकते हैं। बड़ी रकम की पोर्टफोलियो बेच दी। ठीक है, ओटीपी ईमेल के जरिए हैकिंग की आशंका। हैकर ने 76 लाख खरीदा, 30 लाख बेचा, बाकी सौदा अटक गए, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल आप लोगों को दी हुई है और कौन कौन व्यक्ति किस किस प्रकार से यहाँ दोस्तों शिकार हुए हैं ये भी चीज़ बताई गई है। तो ये चीज़ दोस्तों डराने भी शेयर हूँ आपके पास दोस्तों, ये मत सोचिए कि यहाँ पर हम डरा रहे हैं या जी बिजनेस वाले डरा रहे हैं उनकी चैनल को ज़्यादा चलाने के लिए। ये जब आपके साथ होगा दोस्तों तब भी ये पता चलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट करिए इन सभी चीज़ों को। ठीक है, और आप ऐसे धांधली में बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है, क्या करिए देखिए, आपके पास अगर कोई फ़ोन आता है ना तो आप उसको उसकी बातचीत सुन के काट दीजिए, उसको कुछ मत दीजिए। ठीक है, फिर उल्टा आप किसको फ़ोन लगाइए, आप अपने ब्रोकर को फ़ोन लगाइए जहाँ से पहले आप लगाते थे। डीमैट में कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं ठीक है, या उनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर उनके नंबर मिल जाते हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट करिए और पूछिए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। ठीक है, वो बताएगा, फिर उसके बाद वो आपको पहले ही वेरिफिकेशन दे देगा कि आप ये व्यक्ति बोल रहे हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट करिएगा। ठीक है, और फिर उसको बताइएगा कि क्या मेरे डीमैट में कोई खराबी है। ठीक है, मेरे पास ऐसा ऐसा फ़ोन आया था। सामने वाला व्यक्ति बोल देगा कि सर आपके डीमैट में कोई खरीदा मतलब कोई खराबी नहीं है, ये फ्रॉड कॉल था। तब भी आपको विश्वास ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन आप करिए। ठीक है, जो आप लोगों के लिए सही रह सकता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हम भी इन लोगों का साथ दे रहे हैं। ठीक है, कि इनकी आवाज़ अगर अभी 10 लोगों तक पहुंची है तो 10 लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम भी इन तक पहुंचाएंगे आप लोगों की बात। ठीक है, तो जिसके लिए दोस्तों हम इनके साथ हैं। ठीक है, अनिल सिंह जी के साथ हैं। ठीक है, और ये मुहिम पर हम भी उनका साथ दे रहे हैं। ठीक है, जिससे दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर जो डीमैट अकाउंट है वो बच सके। ठीक है, जो है चीज़ें वो हमने आप लोगों को क्लियर बता दी। अब ट्रस्ट करना नहीं करना वो आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक पर्सनली वीडियो था। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि डेली बेसिस पे इसी प्रकार का बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।